शादी से पहले रिलीज हुआ आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र के गाने केसरिया का टीजर। दोनों का रोमांस देख देखने वालों का दिल गार्डन गार्डन हो गया। केसरिया गाने का टीजर अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर रणबीर कपूर के खास दोस्त डायरेक्टर आयान मुखर्जी और फिल्म मेकर करण जौहर ने रणबीर और आलिया के लिए लिखा ब्यूटीफुल मैसेज। आज आलिया और रणबीर की मेहंदी की रस्म पूरी हुई। करण जौहर, करीना कपूर खान, करिश्मा कपूर और कई सितारे इस रस्म का हिस्सा बने। बेटे रणबीर की शादी की खबरों के बीच नीतू कपूर ने शेयर की अपनी सगाई की फोटो। नीतू कपूर ने ऋषि कपूर संग एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर करके पुरानी यादों को ताजा किया। कैप्शन में नीतू कपूर ने लिखा, बैसाखी की खूबसूरत यादें, 43 साल पहले इसी दिन 13 अप्रैल 1979 को हमारी सगाई हुई थी। शर्टलेस कार्तिक आर्यन ने अपने हॉटनेस से लगा दी समुंदर में आग। सोशल मीडिया पर कार्तिक ने इस वीडियो को शेयर कर कैप्शन में लिखा, शहजादाज डे आउट। मॉरिशस में फिल्म शहजादा की शूटिंग से ब्रेक लेकर कार्तिक आर्यन खूब एंजॉय कर रहे हैं। उनका एक डांस वीडियो वायरल हुआ। सोनम कपूर ने फ्लॉन्ट किया बेबी बम। पति आनंद आहूजा के साथ शेयर की इंस्टाग्राम पर तस्वीरें। थलाइवी में कंगना रनौत ने अपने रोल के लिए 20 किलो वजन बढ़ाया था। हाल ही में उनके फिल्म धाकड़ का टीजर रिलीज हुआ। अब उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि कैसे थलाइवी से धाकड़ के बीच उन्हें अपना 20 किलो वजन घटाने में दिक्कतें हुई। वो खुश है कि उन्हें आज बेस्ट एक्शन स्टार बताया जा रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट में एक राइटर ने शाहिद कपूर स्टारर फिल्म जर्सी के निर्माताओं के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया था। जस्टिस रियाज छागला द्वारा आज फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने को लेकर फैसला सुनाया गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्सी की टीम इस केस को जीत चुकी है। फिल्म 22 अप्रैल को रिलीज होगी। क्या प्रेग्नेंट है कटरीना कैफ? मुंबई एयरपोर्ट पर कटरीना कैफ के लेटेस्ट लुक को देखने के बाद कुछ नेटिजन्स उन्हें प्रेग्नेंट बता रहे हैं।